सिर्फ 5 मिनट में लूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे ये पाथवे हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं रोडोप्सिन पाथवे के बारे में। सो डे टाइम की बात हो रही है, सुबह हो रखा है, तो सुबह हो रखा है। ये डिस्क बेसिकली डिस्क सेल पाया जाता है हमारे रॉड सेल में, तो ये डिस्क है एंड दिस इज द रॉड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रॉड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो नाउ हियर सीजीएमपी गेटेड आयन चैनल्स इज देयर। सीजीएमपी आयन गेटेड चैनल यहाँ पे पाया जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो ये सीजीएमपी आयन गेटेड चैनल्स है। साइटोसोल इज हियर, दिस इज द साइटोसोल एंड आफ्टर दैट दिस रोडोप्सिन रिसेप्टर। एक्चुअली रोडोप्सिन रिसेप्टर इज GPCR, ये GPCR रिसेप्टर ही होता है। नाउ द सन इज देयर, सन जो होता है लाइट एनर्जी को इस रोडोप्सिन को देगा। ये रोडोप्सिन एक्चुअली लाइट को सेंस करता है और सेंस करने के बाद जैसे ही लाइट को सेंस करेगा इट विल बी एक्टिवेटेड, ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे रोडोप्सिन एक्टिवेटेड हुआ, नाउ दिस रोडोप्सिन जो है ये जी ट्रांसड्यूसिन जो प्रोटीन पाया जाता है यहाँ पे, जो कि GDP से अल्फा सब यूनिट बाइंडेड फॉर्म में रहता है और इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे ये रोडोप्सिन जो एक्टिव हुआ है ये जो गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की तरीके से काम करेगा और GDP को रिप्लेस करा देगा GTP से। तो GTP जो है जी अल्फा सब यूनिट से बाइंड कर दिया, GT दैट इज अ ट्रांसड्यूसिन, इस ट्रांसड्यूसिन से GTP बाइंड कर दिया अल्फा सब यूनिट से। नाउ जिस जी अल्फा सब यूनिट जो कि ट्रांसड्यूसिन से बाइंड किया हुआ है, ये क्या करेगा कि अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मूव करेगा कहाँ के जाने के लिए, ये जाएगा एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम जो कि डिस्क से बाउंडेड रहता है, दैट इज PDE। ये जो है PDE दैट इज अ फॉस्फोडाइस्टरेज। फॉस्फोडाइस्टरेज के पास 3 सब यूनिट पाए जाते हैं, बीटा अल्फा एंड गामा। यहाँ पे गामा जो होता है इसी सब यूनिट से जी अल्फा प्रोटीन यानी जी अल्फा GTP प्रोटीन जो होता है वो बाइंड रहता है। सो बाइंड करके इस पर्टिकुलर गामा सब यूनिट को एक्टिवेट करेगा। गामा सब यूनिट एक्टिवेट होते ही ये PDE एक्टिव हो जाएगा। PDE एक्टिव होगा तो ये एक्चुअली CGMP जो कि पाया जाता है साइटोसोल में, इसको क्या करेगा, बाइंड करेगा और इसको तोड़ देगा। ये क्या किया, इसने ब्रेक डाउन कर दिया CGMP को। साइक्लिक फॉर्म ऑफ GMP टूटने के बाद जो है कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर फॉर्म ऑफ GMP में। जैसे ही लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, नाउ दिस इस लाइक यहाँ पे CGMP का लेवल लो होने की वजह से ये इस आयन चैनल से बाइंड नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाने के बाद ये जो आयन चैनल है ये क्लोज्ड रहता है और जिसकी वजह से आयन्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते और ग्लूटामेट का कोई भी रिलीज नहीं होता है। दिस कंडीशन इज नॉर्मली ये अपीयर होता है। जी अल्फा को वापस इनएक्टिवेट कराने के लिए यहाँ पे गैप प्रोटीन पाया जाता है, जो कि गैप प्रोटीन आने के बाद इस GTP जी अल्फा सब यूनिट यानी ट्रांसड्यूसिन के अल्फा सब यूनिट से बाइंड करेगा, इससे GTP को हाइड्रोलाइज करा के ये भेज देगा और GDP फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। GDP फॉर्म कन्वर्ट होते ही ये पर्टिकुलर जी अल्फा डिसोसिएट हो जाता है PDE से और साइट में आ जाता है। ये जो टाइम होता है ये डे टाइम में कुछ इस तरीके से प्रोसेस कन्वे हो रहा होता है। नाइट टाइम के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इन द केस ऑफ नाइट टाइम दिस इज अ रॉड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कैन सी हियर, यहाँ पे CGMP गेटेड आयन चैनल पाया जा रहा है। डिस्क ल्यूमेन इज देयर, साइटोसोल इज देयर। नाइट टाइम है, डार्क टाइम है। डार्क टाइम में जो रोडोप्सिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में है एंड आफ्टर दैट दिस रोडोप्सिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो GDP प्रोटीन यानी GT अल्फा सब यूनिट GDP से बाइंडेड है और GDP से बाइंडेड है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। इनएक्टिव रहेगा तो PDE भी जो है इनएक्टिव रहेगा। PDE इनएक्टिव तो CGMP एक्टिव रहेगा और ये CGMP अपने गेटेड चैनल पर बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद जो है ये पर्टिकुलर चैनल जो है वो स्पेसिफिकली ओपन हो जाएगा एंड ओपन होने के बाद यहाँ पे कई सा डीपोलराइज्ड कंडीशन मेंटेन होगा और ग्लूटामेट का रिलीज बढ़ जाएगा क्योंकि सोडियम और कैल्शियम जो होते हैं इस आयन के चैनल के थ्रू जो होते हैं वो मूव करते हैं। सो दिस इज द पाथवे कि किस तरीके से ये जो है रॉड सिग्नलिंग का प्रोसेस जो है कैरी आउट हो रहा है। तो ये आपने देखा कि स्पेसिफिकली किस तरीके से रॉड सिग्नलिंग या स्पेसिफिकली सिग्नलिंग जो है रोडोप्सिन सिग्नलिंग के ऊपर बात की जा रही थी। तो जब नाइट समय था तो ग्लूटामेट का कंडीशन, ग्लूटामेट रिलीज हो रहा था, डीपोलराइज कंडीशन मेंटेन किया गया था। आप अपना 5 मिनट दीजिए और कॉन्सेप्ट को लर्न करके जाइए। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो ग्लूकागॉन पाथवे में समझने से पहले दो एंजाइम्स के बारे में आपको बहुत जानना जरूरी है। दैट वन इज द ग्लाइकोजन सिंथेस एंड सेकेंड इज द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस।
ग्लाइकोजन सिंथेस इज वन ऑफ द एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन को बनाने में हेल्प करता है. ग्लाइकोजन सिंथेस इज द वन ऑफ द एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन को बनाता है, एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो होता है वो ग्लाइकोजन को तोड़ने में काम करता है. ग्लाइकोजन सिंथेस फॉस्फोराइलेटेड होता है तो इनएक्टिव हो जाता है, एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो होता है वो अगर फॉस्फोराइलेट हुआ तब एक्टिव होता है. ये चीज ध्यान रखने की कोशिश करिएगा. चलिए एनिमेशन के थ्रू लर्न करने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअली हो रहा है. तो दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का. इससे क्या हुआ कि आपके पास GPCR रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इज देयर, जहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर लूप 1, 2, 3 एंड इंट्रा सेलुलर लूप 1, 2, 3 पाया जाएगा. एंड आफ्टर दैट ग्लूकेगॉन हार्मोन इज देयर जो कि अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास से सिक्रीट किया जाता है. पेनक्रियास के पास तीन सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा. अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन एंड गामा से सोमेटोस्टैटिन सिक्रीट होता है. नाउ दिस पर्टिकुलर ग्लूकेगॉन हार्मोन विल बाइंड टू द GPCR रिसेप्टर एट द एक्स्ट्रा सेलुलर लूप 3. After binding, the intracellular loop 3 will activate as a GEF, guanine exchange factor. Now this will exchange the GTP to the GQ alpha. That is G stimulatory alpha, not GQ alpha. ठीक है, यहाँ पे G stimulatory alpha correct कर लीजिएगा. Now after that, this GTP will replace the GTP. GDP को यहाँ पे replace किया इसने. GTP replace होते ही, जैसे GTP replace हुआ, G alpha subunit will be एक्टिव. नाउ जे अल्फा सबयूनिट एक्टिव होते ही ये मूव करेगा वन पर्टिकुलर इफेक्टर मॉलिक्यूल, दैट इज एडिनाइलेट साइक्लेज. एडिनाइलेट साइक्लेज के पास ये मूव किया. नाउ दिस एडिनाइलेट साइक्लेज विल बी एक्टिव. एक्टिव होने के साथ एटीपी विल बाइंड टू द एडिनाइलेट साइक्लेज, क्योंकि एटीपी ही एडिनाइलेट साइक्लेज का सबस्ट्रेट है. नाउ एक एडिनाइलेट साइक्लेज से बाइंड करने के बाद ये एटीपी टूट जाएगा और बनाएगा सीएएमपी मॉलिक्यूल. नाउ द सीएएमपी मॉलिक्यूल विल एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज ए. ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा. टू एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज ए, चार सीएमपी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है. प्रोटीन काइनेज ए के पास एक रेगुलेटरी सब यूनिट और एक कैटेलिटिक सब यूनिट पाई जाती है. रेगुलेटरी सब यूनिट से ही सीएमपी मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, जिससे कैटेलिटिक सब यूनिट एक्टिवेट होता है. सो फोर सीएमपी मॉलिक्यूल विल एक्टिवेट लाइक टू द इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज ए. इस तरीके से चार सीएमपी मॉलिक्यूल चार अलग अलग साइट पे बाइंड करने के बाद एक्टिव कैटालिटिक यूनिट को या इनएक्टिव कैटालिटिक यूनिट को एक्टिव कर देते हैं. कैटालिटिक यूनिट एक्टिव होते ही ये तीन फंक्शंस के लिए जाना जाता है. अगर ये एक्टिव कैटालिटिक सब यूनिट है पीकेए का, क्योंकि प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेशन के लिए जाना जाता है, यानी कि काइनेज है तो फॉस्फोराइलेट करेगा. तो ये हो सकता है कि सीआरईबी को फॉस्फोराइलेट करे. अगर सीआरईबी को फॉस्फोराइलेट करेगा तो सीआरईबी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जैसे कि सीबीपी से बाइंड करके सीआरई से बाइंड करेगा, जो कि हम जीपीसीआर सिग्नलिंग में पढ़ते हैं. इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन काइनेज ए सब यूनिट है, ग्लाइकोजन सिंथेस जो कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बनाता है, इसको फॉस्फोराइलेट कर सकता है. अगर ग्लाइकोजन सिंथेस को फॉस्फोराइलेट किया तो ग्लाइकोजन सिंथेस इनएक्टिव हो जाएगा. इनएक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस बंद हो जाएगी, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी. इसके बाद देयर इज अ केस कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो है आपकी स्टॉप हो गई है. नाउ इसके बाद क्या होता है कि इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन कि तीसरा जो होता है फॉस्फोराइलेज काइनेज. फॉस्फोराइलेज काइनेज ये तीसरा सबस्ट्रेट है, इस पर अगर ये बाइंड करता है स्पेसिफिकली तो इसको फॉस्फोराइलेट करता है प्रोटीन काइनेज. अगर फॉस्फोराइलेज काइनेज को फॉस्फोराइलेट किया, एक एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में यूज होता है, ये फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिव हो जाएगा. एक्टिव होने के बाद ये फॉस्फोराइलेट करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को. ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज फॉस्फोराइलेटेड ही होते ही ये भी एक्टिव हो जाएगा. एक्टिव होते ही ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को शुरू कर देगा. ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन शुरू हुआ तो ये क्या करेगा कि इनटेक ऑफ ब्लड जो या ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपका ग्लूकेगॉन का फंक्शन पूरा हो जाएगा. यानी ग्लूकेगॉन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना चाहता था और वो प्रोसेस इसका पूरा हो गया. सो दिस इज द प्रोसेस कि ग्लूकेगॉन किस तरीके से GPCR सिग्नलिंग से बाइंड करके जी अल्फा प्रोटीन को एक्टिव करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिव करके सीएएमपी बनाता है और प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है. दिस प्रोटीन काइनेज ए सीआरईबी से बाइंड करके रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, या ग्लाइकोजन सिंथेसिस को फॉस्फोराइलेट करके ग्लाइकोजन सिंथेसिस को बना दे, या तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिव करके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव करे, उसके बाद ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को शुरू कर दे और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा दे. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ
ग्लूकेगॉन हार्मोन विद द जीपीसीआर सिग्नलिंग। सिर्फ आपका 5 मिनट लूंगा इस पर्टिकुलर एनिमेशन को बताने के लिए, और नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग को हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो आज हम लर्न करने वाले हैं नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे। नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरीके से गैसियस कहते हैं लिगेंड है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो कि जीपीसीआर पाथवे को यूज़ करता है, और उसमें पीएलसी बीटा पाथवे को यूज़ करके वो स्पेसिफिकली क्या करते हैं, वैसो डायलेशन कराने का काम करता है। तो आज हम नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग में इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एनिमेशन यानी 2D एनिमेशन के थ्रू लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ एंडोथेलियल सेल। यहाँ पे एक एंडोथेलियल सेल पाया जा रहा है, और एंडोथेलियल सेल के पास दिस इज अ स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल जो है आपको यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। नाउ सो दिस इज अ कंडीशन कि यहाँ पे जीपीसीआर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। दिस इज, यू कैन सी दैट दिस इज जीपीसीआर मेम्ब्रेन हियर, ठीक है। सो लेट मी लोकेट इट। तो यहाँ पे जीपीसीआर मेम्ब्रेन है, स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर जीपीसीआर मेम्ब्रेन से बाइंड करता है लू एक्सटर्नल लूप 3 से एसिटाइल कोलिन। ये जीपीसीआर है, जीपीसीआर रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन पे पाया जा रहा है, इसके एक्स्ट्रा सेलुलर लूप से एसिटाइल कोलिन बाइंड किया। जैसे ही इसके एक्स्ट्रा सेलुलर लूप से एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और इसका जो इंट्रा सेलुलर लूप है वो जीईएफ की तरह बिहेव करने लगेगा, गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। और ये क्या करेगा कि स्पेसिफिकली जी क्यू एल्फा यानी जो कि जी क्यू फॉर्म पी एल सी बेटा पाथवे में इन्वॉल्व होता है। जी क्यू इज द प्रोटीन जो कि पी एल सी बीटा पाथवे में यूज होता है एज अ जी प्रोटीन। ये जी क्यू प्रोटीन जो होता है 3 सब यूनिट का बना होता है, अल्फा बीटा और गामा, और अल्फा सब यूनिट ही जी डी पी से एसोसिएटेड होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अब इस जी डी पी को रिप्लेस किया जाता है जी ई एफ प्रॉपर्टी ऑफ द इंट्रासेलुलर लूप 3। ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर लूप जो होता है जीपीसीआर रिसेप्टर का, वो इस जीडीपी को रिप्लेस करता है, जीटीपी जाके वहां बाइंड करेगा और जीडीपी रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे ही जीटीपी जी अल्फा सब यूनिट से बाइंड करता है, जी अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाता है। जी अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होते ही अब ये मूव करेगा एक पर्टिकुलर इफेक्टर मॉलिक्यूल जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस, सॉरी जिसका नाम है पीएलसी बीटा। तो ये क्या करेगा, पीएलसी बीटा इफेक्टर मॉलिक्यूल के पास पहुंचा, पीएलसी बीटा जो है यहाँ पे एक्टिवेट होगा, और पीएलसी बीटा एक्टिवेट होते ही ये एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करेगा। जो पीएलसी बीटा का सबस्ट्रेट है वो पीआईपी टू को ये तोड़ेगा और IP3 और डैग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। PIP2 इज फॉस्फो इनोसिटाइड बिस फॉस्फेट, एक तरीके का सबस्ट्रेट है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्पोनेंट और एक साइटोसोलिक कॉम्पोनेंट से मिलकर बना रहता है। पीएलसी बीटा इसको IP3 यानी इनोसिटॉल 145 ट्रिसफॉस्फेट या और डैग दैट इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल 2 सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। डैग एंड IP3 आर सेकेंडरी मैसेंजर। डैग अब क्या करेगा, मूव करेगा एक पर्टिकुलर इफेक्टर मॉलिक्यूल या पर्टिकुलर काइनेज जिसको बोलते हैं प्रोटीन काइनेज सी के पास मूव करता है। एंड IP3 जो होता है वो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। यहाँ पे आयन गेटेड चैनल पाया जाता है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल पाया जाता है। सो जैसे ही IP3 बाइंड करता है, कैल्शियम आयन इस चैनल से मूव करते हुए PKC के पास पहुँचता है, और PKC रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, एंड दैट इज अ वेरी नॉर्मल फिनोमिना जो कि इंडोथेलियल सेल्स में पाया जाते हैं। इसके अलावा ये कैल्शियम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होने के बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन पाया जाता है दैट इज कैलमोडुलिन। ये कैलमोडुलिन प्रोटीन कैल्शियम से एक्टिवेट होगा, और कैल्शियम से बाइंड करने के बाद एक्टिवेटेड फॉर्म में जाएगा। कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स जो है एक पर्टिकुलर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे दैट इज कैल्सिन्यूरिन। कैल्सिन्यूरिन इज अनदर फैक्टर जिसको एक्टिवेट किया जाता है। ये कैल्सिन्यूरिन जो होता है नॉस थर्ड एंजाइम को एक्टिवेट करता है। नॉस थर्ड एंजाइम इज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है आर्जिनिन को सिट्रुलिन और NO में। जैसे ही नॉस थर्ड एंजाइम कैल्सिन्यूरिन से बाइंड करता है ये एक्टिवेट हो जाता है। कैल्सिन्यूरिन इस नॉस थर्ड को एक्टिवेट किया, जैसे ही नॉस थर्ड एंजाइम एक्टिवेट हुआ यहाँ पे क्या हुआ, आर्जिनिन को एज अ सब्स्ट्रेट यूज किया जाता है। आर्जिनिन एज अ सब्स्ट्रेट यूज किया इस नॉस थर्ड एंजाइम ने, और यहाँ पे नॉस थर्ड एंजाइम कन्वर्ट करेगा आर्जिनिन को स्पेसिफिकली सिट्रुलिन एज अ प्रोडक्ट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट। ये सिट्रुलिन को कन्वर्ट करेगा, सिट्रुलिन बनाएगा आर्जिनिन को और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियल सेल में फॉर्म हो रहा है। ध्यान रख लीजिएगा पीएलसी बीटा पाथवे को यूज करके आर्जिनिन एज ए सब्स्ट्रेट को यूज करके नाइट्रिक ऑक्साइड
सिट्रुलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस सिट्रुलिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये डिफ्यूज होता है बिकॉज इट्स अ गैसियस मॉलिक्यूल, डिफ्यूज होकर एंडोथेलियल सेल्स है, ये स्मूथ मसल सेल्स में आता है। स्मूथ मसल सेल में इसका जो रिसेप्टर होता है वो साइटोसोलिक रिसेप्टर गुआनिलेट साइक्लेज पाया जाता है। ये डिफ्यूज होकर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद यहाँ पे जीटीपी जो है इस गुआनिलेट साइक्लेज का सबस्ट्रेट है, जीटीपी यूटिलाइज करेगा गुआनिलेट साइक्लेज और जीटीपी को तोड़ने के बाद इसको सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। नाउ दिस सीजीएमपी मॉलिक्यूल विल एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज जी मॉलिक्यूल। सीजीएमपी जो होता है वो प्रोटीन काइनेज जी जो कि एक फॉस्फेट जोड़ने वाला एंजाइम है उसको एक्टिवेट करेगा और ये प्रोटीन काइनेज जी जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट होगा ये पहुंचेगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद ये एटीपी को यूज करेगा फॉस्फोराइलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए। जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को फॉस्फोराइलेट करेगा ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉस्फोराइलेट होकर डीएनए से बाइंड करेंगे एंड दे विल जनरेट द रिस्पॉन्स दैट इज द वैसोडाइलेशन, यानी ब्लड वेसल जो है वो डायलेटेड फॉर्म में हो जाएगा। सो दिस इज द केस जो कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि दिस इज नॉर्मली कि कैसे ये सीजीएमपी जो है इस तरीके से एक्टिवेट कर रहा था प्रोटीन काइनेज जी को और ये प्रोसेस कैरी आउट हो रहा था। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगर पूरा करना हो सीएसआईआर का सपना तो मेहनत से बढ़कर कोई संकल्प नहीं, जब बात हो बेस्ट तैयारी की तो अनअकैडमी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। अनअकैडमी का एक टॉप एजुकेटर जिसे वीरेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं, अपने स्मार्ट टीचिंग से वो कईयों के सपने पूरे कराते हैं। जुड़िए अनअकैडमी के साथ और ले जाइए अपना सीएसआईआर अपने साथ। देखिए वीरेंद्र सर की फ्री क्लासेस, अपनी तैयारी आजमाने के लिए और यूज करिए रेफरल कोड वीरेन 10% डिस्काउंट पाने के लिए।